दोस्तों, एक गांव में दीपाली और उसकी माँ लेडीज बैग बनाने का काम किया करती थी। दीपाली का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, पर दीपाली की पड़ोसन सरला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन एक शहर में से एक व्यापारी ऑर्डर के सिलसिले में दीपाली से मिलने आता है और कुछ पैसे एडवांस में देके एक बड़ा ऑर्डर देके चला जाता है। कुछ ही दिनों में ऑर्डर का पूरा माल तैयार हो जाता है तो दीपाली और उसकी माँ एक शादी में जाते है। तभी सरला उनके घर में आती है और ऑर्डर की सभी बैग को आग लगा देती है। अगले दिन व्यापारी अपना माल लेने के लिए दीपाली के पास आता है तो दीपाली उनको सारी बात बता देती है। व्यापारी अपना एडवांस दिया हुआ पैसा वापस मांग लेता है तो दीपाली के पास पैसे नहीं होने के कारण व्यापारी दीपाली और उसकी माँ को घर से निकल देता है और घर पे कब्जा कर लेता है। दीपाली और उसकी माँ एक जंगल के रास्ते जा रही थी, तभी उनको एक साधु मिल जाता है। साधु दीपाली को एक पर्स देता है, उसमें सोने के सिक्के निकलते थे। पर्स से निकले हुए सिक्के से दीपाली शहर में एक बड़ा सा घर और बैग का शॉप खोल लेती है।